रविवार की रात करीब 8:45 का वक्त था जब सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर पीएम पहुंच गए। नए संसद भवन के निर्माण कार्य का पीएम ने लिया जायजा। अमेरिका के 4 दिवसीय दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार रात करीब 8:45 दिल्ली में सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। यहां उन्होंने साइट पर लगभग 1 घंटा बिताया और नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट साइट पर जाने के प्रोग्राम के बारे में पूर्व से कोई सूचना नहीं थी। वे अचानक यहां पहुंचे और बकायदा सभी नियमों का पालन करते हुए साइट का निरीक्षण किया। इससे पहले कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। हालांकि कोर्ट ने रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और उम्मीद जताई जा रही थी कि नए संसद भवन का निर्माण अगले साल तक हो जाएगा। इसके लिए बड़ी संख्या में श्रमिक दिन रात तेजी से काम कर रहे हैं। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा भी होगा। इसे 971 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का आज विस्तार हुआ है। आपको बताएं, कल विस्तार हुआ है। 7 नए मंत्रियों को जगह देकर बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की। इससे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छलावा करार दिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से 5-6 महीने पहले योगी सरकार में इन 7 चेहरों को जगह मिली और इन चेहरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातीय समीकरण को साधा है। इनमें सबसे प्रमुख है जितिन प्रसाद, जो बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा होंगे। संगीता बलवंत विंद, छत्रपाल गंगवार, धर्मवीर प्रजापति पिछड़ी जाति से हैं, पलटू राम और दिनेश खटेक दलित समाज से हैं और संजय गौड़ अनुसूचित जनजाति से हैं। इन मंत्रियों को शामिल कर योगी ने यूपी के बड़े वोट बैंक पर निशाना साधा है। यूपी में ब्राह्मण वोट 12% है और इसको साधने के काम जितिन प्रसाद आएंगे। ओबीसी के वोट करीब 36% है। संगीता बलवंत विंद, धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल गंगवार को मंत्री बनाकर बीजेपी ने बड़े चंक को साधा है। SC ST के वोट 21% हैं और इनको साधने के लिए पलटू राम, दिनेश खटेक, संजय गौड़ को योगी सरकार में जगह मिली है। वहीं योगी कैबिनेट के इस विस्तार को सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक छलावा बताया है। यूपी में धर्मांतरण के मामले में 3 और गिरफ्तार आरोपियों पर धर्मांतरण के लिए यहां पर फंडिंग लेने के आरोप में 20 करोड़ से भी ज्यादा फंडिंग का मालूम चल पाया है। उत्तर प्रदेश ATS ने अवैध धर्मांतरण मामले में कलीम सिद्दीकी से पूछताछ कर 3 लोगों को रविवार को गिरफ्तार किया है। अवैध धर्मांतरण मामले में UP ATS ने 3 आरोपियों को विदेशों से हवाला के जरिए फंडिंग लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 3 आरोपी मोहम्मद इदरिस, मोहम्मद सलीम और कुणाल अशोक चौधरी उर्फ आतिब के पास से 20 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग का पता चला है। कुणाल उर्फ आतिब ने रूस से मेडिकल की पढ़ाई की है और MCI की परीक्षा में फेल होने के बावजूद अवैध प्रैक्टिस कर रहा था और साथ ही लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। ATS का दावा है कि रविवार को पकड़ा गया अभियुक्त सलीम पिछले 17 साल से कलीम सिद्दीकी के साथ मिलकर अवैध धर्मांतरण के काम में सहयोग कर रहा था। इस बीच आप लगातार देख रहे हैं एक मिनट एक खबर। धर्मांतरण के मामले में आपने कहा किस तरीके से कार्रवाई की बात। वहीं चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर RET की परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी, पुलिस ने 3 अभ्यर्थियों के साथ 2 अन्य लोगों को इस मामले के तहत गिरफ्तार किया। राजस्थान में रीट परीक्षा पर गड़बड़ी की आशंकाओं के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अभ्यर्थी नकल करते हुए गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, मोबाइल फोन और सिम बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए 5 लोगों में 3 अभ्यर्थी और 2 बाहरी लोग हैं, जो अभ्यर्थियों की नकल में मदद के लिए आए थे। आरोपियों को गंगा शहरी इलाके के नया बस स्टैंड से परीक्षा से पहले गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर की पुलिस का कहना है कि धोखाधड़ी करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस को चप्पल में छिपा दिया गया था। कोई इनपुट था DST के पास, सूचना थी, उसके आधार पे
उसकी चप्पल में एक ऐसा डिवाइस मिला जिसमें सिम लगी हुई थी और एक छोटा सा ब्लूटूथ उसके कान में था, जिसको डिटेन कर लिया है। उससे पूछताछ जारी है, लगातार हमारी टीमें पूछताछ कर रही है। किसान संगठनों का आज भारत बंद है। सुबह की 6 बज चुके हैं और सुबह 6 बजे से शुरुआत हो चुकी है, शाम 4 बजे तक ये बंद रहेगा। किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ये बंद बुलवाया। दिल्ली बॉर्डर के सभी रास्तों पर किसान धरने पर बैठेंगे आज दिन भर। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा के कुल 40 संगठनों ने आम लोगों के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियों से भी समर्थन मांगा है। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि बंद के दौरान सरकारी व निजी दफ्तर, शिक्षण संस्थान, दुकानें, उद्योग व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कांग्रेस, आप, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, TMC समेत कई विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से अपील की है कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क में COVID-19 और जलवायु परिवर्तन को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर की मशहूर हस्तियों ने हिस्सा लिया। सितारों की महफिल से जगमगाती शाम की तस्वीरें न्यूयॉर्क की हैं, जहां ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल के मौके पर जेनिफर लोपेज, शॉन मेंडेस और बिली एलिश ने अपनी शानदार आवाज में गाने गाकर उत्साह में 4 चांद लगा दिए। इस कॉन्सर्ट में 60,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान गायकों ने जलवायु परिवर्तन, आंधी और जंगलों में लग रही आग जैसी घटनाओं पर चिंता जताई। कॉन्सर्ट आयोजित करने का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन को लेकर लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना था। कार्यक्रम के दौरान संपन्न देशों से COVID-19 वैक्सीन की 1 बिलियन डोज उन देशों को दान करने की विनती की गई, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पिछले 24 घंटों में इस कॉन्सर्ट का आयोजन पेरिस, न्यूयॉर्क सिटी और लॉस एंजलिस जैसे कई शहरों में किया गया। तो वहीं श्रीनगर में डल झील के ऊपर 14 साल के बाद भारतीय वायुसेना का दमखम दिखा एक एयर शो के तौर पर। एक मिनट में पूरी खबर, इन तस्वीरों पर नजर। जम्मू कश्मीर में 14 साल बाद एयरफोर्स ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। श्रीनगर की डल लेक पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा मौजूद रहे। एयर मार्शल BR कृष्णा ने कार्यक्रम की मुख्य मेजबानी की। शो की शुरुआत पैरा मोटर और पैरा हैंग ग्लाइडर डिस्प्ले के साथ हुई। कार्यक्रम में युवा दर्शकों के लिए एयर शो तैयार किया गया, जिसका नाम गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स रखा गया। इसके बाद MiG-21 बाइसन ने त्रिकोणीय 3 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन में उड़ान भरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई एम्बेसडर्स IAF कार्यक्रम में आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। वहीं क्विज और फोटो एग्जीबिशन लगाकर IAF का इतिहास बताया गया। कार्यक्रम में 10,000 लोग मौजूद थे, जिनमें करीब 3,000 स्कूल के बच्चे थे। तो वहीं रूस के सेंट्रल मॉस्को में ऑनलाइन चुनाव के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए, जिसमें कि आम नागरिकों के साथ साथ कई बड़े पत्रकार भी इसका हिस्सा थे। राजस्थान में रीट परीक्षा पर गड़बड़ी की आशंकाओं के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अभ्यर्थी नकल करते हुए गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, मोबाइल फोन और सिम बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए 5 लोगों में 3 अभ्यर्थी और 2 बाहरी लोग हैं। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.